हल्क मार्वल के सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में से एक है, जिसे फिजिकली हरा पाना पावरफुल से पावरफुल कैरेक्टर्स के भी बस की बात नहीं है। लेकिन आज हम इसी हल्क का बैटल इसी के सबसे पावरफुल फॉर्म से करने वाले हैं, जो कि है इमोर्टल हल्क, वर्ल्ड ब्रेकर हल्क और आखिर में स्पेस पनिशर हल्क। इस वीडियो में हम हल्क के इन तीनों फॉर्म्स को आपस में कंपेयर करेंगे और इनके बैटल के जरिए जानेंगे कि हल्क का कौन सा फॉर्म सबसे पावरफुल है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, ताकि हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। वैसे इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारी वर्ल्ड वॉर हल्क और इमोर्टल हल्क कॉमिक एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस नहीं देखी है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल में जाकर उन सारी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क वर्सेस इमोर्टल हल्क वर्सेस स्पेस पनिशर हल्क के इस बैटल के अंदर हम टोटल दो बैटल्स को देखेंगे, जो कि होंगे वर्ल्ड ब्रेकर हल्क वर्सेस इमोर्टल हल्क और दूसरा वर्ल्ड ब्रेकर हल्क वर्सेस स्पेस पनिशर हल्क। तो आइए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड ब्रेकर हल्क वर्सेस इमोर्टल हल्क से। तो पहले बात करें इमोर्टल हल्क की, तो इमोर्टल हल्क मार्वल के मेन यूनिवर्स से बिलोंग करता है और ये सबसे पहले नजर आया था साल 2018 में आई द इमोर्टल हल्क के इशू 1 के अंदर। सिविल वॉर 2 की स्टोरी लाइन के अंदर जब हॉकाई ब्रूस बैनर को मार देता है, तब ब्रूस के मरने के बाद सबको यही लगता है कि ब्रूस बैनर के साथ ही हल्क भी मारा जा चुका है। लेकिन कुछ टाइम बाद हल्क ब्रूस बैनर को जिंदा कर देता है, जिसके बाद ब्रूस और हल्क दोनों ही पहले जैसे हो जाते हैं। लेकिन इस बार हल्क के अंदर कई खास पावर्स आ जाती है और वो पहले से भी कई ज्यादा पावरफुल बन जाता है, जिसके बाद वो कहलाता है इमोर्टल हल्क। बात करें इमोर्टल हल्क की पावर्स की, तो ये हल्क गामा रेडिएशन को अब्सॉर्ब भी कर सकता है और उसके जरिए और पावरफुल बन सकता है। इमोर्टल हल्क इतना पावरफुल है कि ये बड़ी ही आसानी से रेड हल्क और सेस्क्वेज जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को हरा चुका है। साथ ही ये आयरन मैन के हल्क बस्टर आर्मर को भी बुरी तरह से तोड़ चुका है और अपने एक ही पंच में थॉर का एक दांत भी तोड़ चुका है। इनके अलावा इमोर्टल हल्क के ऊपर लेडी थॉर के म्यूनिर का भी कोई असर नहीं होता, और जब ये ब्लैक पैंथर को पंच मारता है तब उसके पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि उसकी वजह से ब्लैक पैंथर का वाइब्रेनियम सूट ही पूरा का पूरा ओवरलोड हो जाता है। और तो और इसका हीलिंग फैक्टर भी इतना कमाल का है कि जब आयरन मैन इस पर लेजर बीम से अटैक करता है, तब उससे पूरी तरह से राख बनने के बाद भी ये खुद को पूरी तरह से ठीक कर लेता है। तो यही सारी इमोर्टल हल्क की पावर्स हैं। अब इसके बाद आइए वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की पावर्स की बात करते हैं। तो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क भी इमोर्टल हल्क की तरह ही मेन मार्वल यूनिवर्स से बिलोंग करता है, जहां पर जब हल्क के गुस्से की वजह से पूरी दुनिया पर खतरा बढ़ने लगता है, तब इल्यूमिनाटी टीम के कुछ मेंबर्स, जो कि होते हैं आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, मिस्टर फैंटास्टिक और ब्लैक बोल्ट, ये चारों मिलकर हल्क को एक स्पेसशिप में बिठा देते हैं और उसे स्पेस में फेंक देते हैं। लेकिन हल्क वहां से सीधा एक प्लेनेट पर जा गिरता है, जिस प्लेनेट का नाम होता है सकार। और वहां पहुंचने के बाद वहां का रूलर रेड किंग हल्क को अपना एक ग्लैडिएटर बना देता है और उससे अपने मजे के लिए लड़ाइयां लड़वाता है। लेकिन फिर हल्क वहां के रूलर रेड किंग को जान से मार देता है और फिर सकार का नया राजा बनता है। पर एक दिन अचानक से ही हल्क का वो स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है, जिस स्पेसशिप से वो वहां पर आया होता है, और उस ब्लास्ट की वजह से हल्क की वाइफ के साथ साथ उसके लाखों लोग मारे जाते हैं। हल्क इन सबका जिम्मेदार इल्यूमिनाटीज को मानता है और फिर वो उन सबसे बदला लेने के लिए अर्थ पर आता है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हल्क सबसे ज्यादा गुस्से में होता है और इसीलिए वो कहलाता है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। अब बात करें वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की पावर्स की, तो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की पावर्स हैं लिमिटलेस स्ट्रेंथ, लिमिटलेस ड्यूरेबिलिटी, लिमिटलेस स्टेमिना, स्पीड, सुपर जंप एंड गामा रेडिएशन एमिशन। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की पावर्स पूरी तरह से नॉर्मल हल्क से सिमिलर है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की सारी पावर्स बहुत ज्यादा हाई है। ये वर्ल्ड ब्रेकर हल्क सकार प्लेनेट के अंदर खोलते हुए लावा के अंदर तैर चुका है और सकार की टूटती हुई टेक्टोनिक प्लेट्स को सिर्फ अपने हाथों से जोड़ चुका है। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जब आयरन मैन अपने सबसे एडवांस हल्क बस्टर आर्मर से हल्क का सामना करने आया था, तब उसके किसी भी अटैक का वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के ऊपर कोई असर नहीं हुआ था और वर्ल्ड ब्रेकर हल्क ने हल्क बस्टर आर्मर को बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया था। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा है कि इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को रोकने जब सारे सुपर हीरोज आए थे, तब ना तो साइक्लोप्स की लेजर का हल्क के ऊपर कोई असर हुआ था और ना ही कोलोसस के पंचेस का, और वुल्वरीन अपने एडमेंटियम क्लॉज का यूज करके भी हल्क की बॉडी को नहीं काट पाया था। और तो और जगरनॉट, जिसे हल्क जितना पावरफुल बताया जाता है, वो भी हल्क के सामने कुछ भी नहीं कर पाया था। लेकिन इनके भी ऊपर जब डॉक्टर स्ट्रेंज वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को रोकने के लिए डेमन पावर्स को यूज करते हैं, तब उनका भी वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के ऊपर कोई असर नहीं होता और वर्ल्ड ब्रेकर हल्क डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत आराम से हरा देता है। और सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज ही नहीं, बल्कि अर्थ के सारे सुपर हीरोज एक साथ मिलकर भी वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को नहीं हरा पाए थे, और हराना तो दूर की बात, वो सब मिलकर भी हल्क को रोक तक नहीं पाए थे। और तो और जब मार्वल का सबसे पावरफुल सुपर हीरो यानी कि सेंट्री हल्क को रोकने आया था, तब भी हल्क को सिर्फ शांत करने के लिए सेंट्री को अपनी पूरी पावर्स को यूज करना पड़ा था। तो अब इन दोनों हल्क की पावर्स के बारे में जानने के बाद आइए अब इनके बैटल की बात करते हैं।
तो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क और इमोर्टल हल्क, ये दोनों ही हल्क बहुत पावरफुल हैं, जो कि अकेले ही कई पावरफुल बींग्स को हरा चुके हैं। लेकिन अगर बात इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल हल्क की हो तो वो बिना किसी शक के वर्ल्ड ब्रेकर हल्क ही है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क अब तक का मोस्ट एंग्री हल्क है और इसके इतना ज्यादा गुस्सा होने की वजह से इसकी पावर्स भी पीक पर होती है। वैसे तो इमोर्टल हल्क ने कई सारे हीरोज को हराया है, लेकिन वर्ल्ड ब्रेकर हल्क ने इमोर्टल हल्क से भी ज्यादा हीरोज को हराया है। जैसे कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क डॉक्टर स्ट्रेंज को डीमन पावर्स के साथ भी हरा चुका है और मार्वल के सबसे पावरफुल सुपर हीरो सेंट्री को भी बराबरी की टक्कर दे चुका है। लेकिन अगर किसी को ये सब भी कम लगे तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के सारे फेट्स उसके नॉर्मल फॉर्म के हैं, जबकि वहीं इमोर्टल हल्क ने जब भी लड़ाई की है तब वो अपनी फुल पावर्स के साथ लड़ा है। और वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के लिए मैं ऐसा इसीलिए कह सकता हूं क्योंकि यह वर्ल्ड ब्रेकर हल्क वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक की लास्ट में अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में आता है, और जब ये अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में आता है तब वो इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि उसके सिर्फ एक स्टेप चलने से ही एक पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसीलिए ये बात तो क्लियर है कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क इमोर्टल हल्क से भी ज्यादा पावरफुल है और वो इमोर्टल हल्क को हरा सकता है। तो अब इसके बाद आइए बात करते हैं वर्ल्ड ब्रेकर हल्क वर्सेस स्पेस पनिशर हल्क की। तो अब जैसा कि हम वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के बारे में सब कुछ पहले ही जान चुके हैं, इसीलिए आइए हम सीधा स्पेस पनिशर हल्क की बात करते हैं। तो स्पेस पनिशर हल्क सबसे पहले दिखा था साल 2012 में आई स्पेस पनिशर के इशू 2 के अंदर। इस हल्क की ओरिजिन की बात करें तो ये हल्क अर्थ 12091 से बिलोंग करता है, जहां का ब्रूस बैनर जब गामा रेडिएशन पर स्टडी कर रहा होता है तब वो एक गामा बॉम्ब के कॉन्टेक्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से ब्रूस बैनर म्यूटेट होकर हल्क बन जाता है और फिर वो कहलाता है स्पेस पनिशर हल्क। स्पेस पनिशर हल्क पूरे मार्वल मल्टीवर्स के अंदर हल्क का सबसे ब्रूटल वर्जन है। मार्वल का ये हल्क बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये स्पेस पनिशर हल्क बाकी के हल्क से इसलिए भी डिफरेंट है क्योंकि इसके दो नहीं बल्कि चार हाथ हैं, और अपने इन चार हाथों से ये फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम को एक साथ ही मार चुका है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इनके अलावा ये डेडपूल को भी मार चुका है और वाटू द वॉचर जैसे कॉस्मिक बींग को भी मार चुका है। तो अब इस हल्क के बारे में सब कुछ जानने के बाद आइए अब वर्ल्ड ब्रेकर हल्क और स्पेस पनिशर हल्क के बैटल की बात करते हैं और जानते हैं कि कौन सा हल्क सबसे पावरफुल है। तो अभी हम जिन दोनों हल्क का बैटल कंपैरिजन कर रहे हैं वो शायद से पूरे मार्वल मल्टीवर्स के सबसे पावरफुल हल्क है। लेकिन अगर आपको इन दोनों में से भी ज्यादा पावरफुल हल्क को जानना हो तो मैं आपको बता दूं कि बिना किसी शक के स्पेस पनिशर हल्क सबसे पावरफुल हल्क है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि स्पेस पनिशर हल्क बहुत ज्यादा ब्रूटल है, जो कि बड़े आराम से किसी की भी जान ले सकता है। पर वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड ब्रेकर हल्क है, जिसके बारे में आपने हमारी वर्ल्ड वॉर हल्क सीरीज के अंदर देखा ही होगा, और वहां हमें दिखाया गया है कि ये हल्क ज्यादा ब्रूटल नहीं है। इनके अलावा जहां वर्ल्ड ब्रेकर हल्क सेंट्री से भी नहीं जीत पाया है, वहीं पर स्पेस पनिशर हल्क ने वाटू द वॉचर तक को जान से मार दिया है। और जिन्होंने भी मार्वल व्हाट इफ सीरीज देखी है वो सब तो ये जानते ही होंगे कि ये वॉचर्स कितने पावरफुल होते हैं। स्पेस पनिशर हल्क ने एक वॉचर को तो जान से मारा है, लेकिन इनके साथ ही ये एक ही साथ 6 वॉचर से भी फाइट कर चुका है और उन सबको हरा चुका है। और तो और इसका नाम भी स्पेस पनिशर हल्क इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये हल्क स्पेस में घूमता रहता है और उसी दौरान ये कई और पावरफुल कैरेक्टर्स को भी जान से मार चुका है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये स्पेस पनिशर हल्क अब तक बहुत ही कम अपीयर हुआ है, इसीलिए अगर इसे और दिखाया गया तो पता नहीं और किसकी जान ले लेगा। तो इसीलिए अब इन सारे फैक्टर्स को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि स्पेस पनिशर हल्क वर्ल्ड ब्रेकर हल्क और इमोर्टल हल्क दोनों से ही ज्यादा पावरफुल है और वो इन दोनों को हरा सकता है। तो यही हल्क के तीन सबसे पावरफुल फॉर्म्स के बीच एक बैटल कंपैरिजन वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं कि अगर आपने अभी तक हमारी वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक सीरीज और इमोर्टल हल्क कॉमिक सीरीज को नहीं देखा है तो आप अभी कभी डिस्क्रिप्शन के लिंक से या फिर हमारे चैनल में जाकर उन सारी वीडियोस को भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको और भी कई वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जो कि है हल्क और शी हल्क का बैटल कंपैरिजन, हल्क और स्कार का बैटल कंपैरिजन और ग्रीन हल्क और रेड हल्क का बैटल कंपैरिजन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इन सारी वीडियोस को भी चेकआउट जरूर करना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।